दमोनगर के जबलपुर नाका क्षेत्र पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप परशुराम टेकरी के पास बरसों से काबिज कुचबंदियों के डेरों के पास अवैध निर्माण का दौर जारी है, जिन्हें हटाने के लिए आज वन विभाग के अमले के साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन भी पहुंचा था, लेकिन पुलिस कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों की पुलिस से झड़प हो गई और इस दौरान कार्रवाई के विरोध में लोग खुलकर उतर आए। आमने सामने के टकराव जैसी हालत में कुछ लोगों के जहां घायल होने की खबर सामने आई है, पुलिस को कार्रवाई छोड़कर भी जाना पड़ा। इधर इस पूरी कार्रवाई के विरोध में कुछ बंदिया समाज के लोग महिलाओं बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट गेट पर धरना देते हुए कार्रवाई को अनुचित बताया तथा पुलिस द्वारा की गई बर्बरता के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग का ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। इस दौरान महिलाओं ने कलेक्टर से मिलने की जिद कर ली और कलेक्ट्रेट के गेट से सीधे दंदनाते हुए सीढ़ियां चढ़कर ये लोग ऊपर पहुंच गए। यह लोग यहां भी नहीं रुके और चैनल गेट को पार करके कलेक्टर के चैम्बर के समीप देर तक खड़े होकर हंगामा करते हुए नजर आए। बाद में हालांकि कलेक्टर ने इनके दो प्रतिनिधियों से चर्चा की और एडीएम ने ज्ञापन भी लिया, लेकिन पूरा घटनाक्रम अनेक सवाल छोड़ गया। मैडम हमको एक दो बार कर लें दो कलेक्टर साहब से, बस क्या बात है। मकान हमारा गिरा है, उनका भी गिराना नहीं गिरा है उन लोग का, तो हमारे मकान मोहल्ला वाले हमारे कुछ मनियों के समाज के घर गिरते हैं और किसी के मकान नहीं गिरते हैं। दमोह कलेक्टर के चैम्बर के बाहर के अफरा तफरी और शोरगुल भले इन हालातों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से डिप्टी कलेक्टर को इन कुचबंदिया महिलाओं को कंट्रोल करने में दो दो पड़ी। इसके बावजूद यह लोग कंट्रोल में नहीं आई और बाद में एडीएम श्री गौण यहां पर पहुंचे। एडीएम को इन्होंने बाद में ज्ञापन भी सौंपा और चर्चा भी की और चले भी गए, लेकिन पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल यही उठ रहा था कि क्या इस तरह से चंद महिलाओं की वजह से पूरे कलेक्ट्रेट की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या ऐसे आने वाले दिनों में दोबारा हालात निर्मित नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है। मगर ऐसा क्यों है कि जब भी उनकी शादी है तो कुछ बंदियां भी मकान खोलती है, जमीन संबंधित सीधे
एक बात हर सबके रहे ये बता हमारा हम गरीब आदमी जैसे झोपड़ी भी बनाए थोड़ा मकान भी कच्चे बनाए मकान जैसे नए नए बन गए तोड़ने जाते चलो भाई ये तुम्हारे पाठ तोड़ने जाते मैंने नहीं कहा भाई मकान मैंने तुम्हारा वर्दी कर इज्जत करेंगे मकान तो तोड़ो हम कहीं गरीब तुमसे करते तुम्हारा भारी टोटी का दो बस्ता जाए डॉक्टर जहाँ डॉक्टर चार सर भारी प्रशासन जाकर वहाँ देख सकता है कि लड़की लाइकों पर चलेंगे आपसे अधिकार लेके हम कबूतर चलेंगे नहीं चलेंगे जो तुम कहोगे।